बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे मीठी रोटियां। और ये मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने देसी घी बनाया था, ये उससे रिलेटेड है। ये देसी घी की छाछ है जो कि तकरीबन आधा कप के करीब है। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। इसमें मैं पिसी हुई 1 चम्मच सौंफ डालूँगी, सौंफ का पाउडर डालूँगी। ये देखें, आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी इलायची पाउडर। इसमें मैं 1 बड़ा पीस गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में हम गुड़ या शक्कर यूज़ कर सकते हैं तो उसे आप प्रेफर करें वाइट शुगर से ज़्यादा, ये बेहतर है। ये देखें, ये मेरा जो मैंने पानी रखा था पक गया। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब रह गया। अब मैं इसमें आटा डालूँगी। आटा मैंने 4 कप के करीब लिया, लेकिन हम इसमें डालेंगे और गूँधेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही यूज़ करेंगे। आटा ये रेगुलर है, ये मैदा नहीं है, ये गंदम का आटा है जो जिसे हम सादी रोटी बनाते हैं। ये पराठे बहुत मज़े के बनेंगे। और ये छाछ जो है, आपने इसका कलर देखा है, ये लाइट ब्राउन है और ये तकरीबन 1/2 कप के करीब थी। इसमें तकरीबन 3 कप के करीब आटा ऐड हुआ है और इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, ये मैंने डो इसकी तैयार कर ली है। इसकी जो छाछ है वो दोबारा पकने से सॉफ्ट हो गई थी। 1 कप हमारा आटा बच गया है, 3 कप आटा मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी। नॉर्मल साइज़ का मैंने इसका पेड़ा लिया है और इसकी हम रोटी बनाएंगे। इसको हम बिल्कुल वैसा ही भरी बेलेंगे जैसे कि हम सादी रोटी बनाते हैं और ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक बनाएंगे, पतली रोटी बनाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी, बिल्कुल बिस्किट की तरह लगेगी। और ये बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल होगी, मतलब दोनों को ही पसंद आएगी। और इसे मैं देसी घी से ही फ्राई करूँगी। मैं जब भी देसी घी बनाती हूँ तो मैं इसकी छाछ से मीठी रोटियाँ बनाती हूँ। ये बच्चों को मीठी पसंद आती हैं। आप चाहें तो इसमें मीठी की जगह नमक या काली मिर्च डाल के इसको नमक काली मिर्च वाला पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मीठी बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसको मैंने पैन में डाल दिया। अगर आपने मेरी देसी घी की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको सर्च करें मेरे चैनल पे, तो आपको पता चलेगा उस वीडियो से जो मैंने घी बनाया है उसकी जो छाछ बची है ये मैंने उससे बनाया है। और उसका जो बटर मिल्क बचा था उससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ये उससे मैं क्या बनाऊँगी। इसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन सा हो गया है। अब इसे मैं दोनों साइड से फ्राई करूँगी। ये देखें, फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि मीठी रोटी जल्दी से जलने लग जाती है। पराठा मेरा तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े का है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए मेरी वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।